इस लेक्चर में हम लोग मैसूर के बारे में जानने जा रहे हैं। मैसूर सक्सेसर स्टेट नहीं था अपने आप में, ये फिर भी मुगल पीरियड में भी लिटिल बिट ऑफ इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी मेंटेन किए हुए था, और उस वक्त इसका शासन जो था उडियार डायनेस्टी देख रही थी। उडियार डायनेस्टी देख रही थी, लेकिन ये ग्लोरियस पीरियड नहीं है। जिस पीरियड के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं वह पीरियड हैदर अली का और टीपू सुल्तान का। ठीक है, ये पीरियड हम देखने जा रहे हैं। तो मुगल के डिक्लाइन के बाद जो है, जब मुगल का डिक्लाइन हो रहा था और मिड ऑफ 18 सेंचुरी जो था, उसी पीरियड में उडियार डायनेस्टी को रिप्लेस करके हैदर अली और टीपू सुल्तान वगैरह जो हैं ये लोग प्रोमिनेंस पे आए, और हम लोग इनकी कहानी देखने जा रहे हैं। और मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ कि मैसूर की कहानी एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी है आफ्टर मुगल पीरियड। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई फील दैट दे आर इवन ग्रेटर देन मराठास। मराठास से कहीं ज़्यादा विजनरी, कहीं ज़्यादा प्रभावशाली और कहीं ज़्यादा इंगेजिंग स्टोरी है मैसूर की, बिकॉज दे ऑलवेज फॉट एट फ्रंट विथ ब्रिटिशर्स एंड दे ऑल्सो हैड देयर विंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मैं अपना बायसनेस पहले ही क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आई एम लिटिल बिट बायस टुवर्ड्स टीपू सुल्तान एंड हैदर अली, एंड देर इज रीजन फॉर दैट ऑल्सो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखना शुरू करते हैं स्टोरी को। तो सबसे पहला जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो है कि उडियार डायनेस्टी को पहले हैदर अली आया, उडियार डायनेस्टी को रिप्लेस करके। हैदर अली ने अपना स्टार्ट किया था लाइफ एक आम सैनिक टाइप से, और धीरे धीरे प्रोमिनेंस में ग्रो करता गया, और फाइनली हैदर अली मैसूर का ऑल इन ऑल हो गया। ठीक है, हैदर अली को बाद में रिप्लेस किया किसने? टीपू सुल्तान ने। दोनों का टेम्परामेंट एक जैसा है, इसलिए मैं साथ में बोलूँगा। तो बोथ वेयर एक तरह से मिलिट्री जीनियस, काफ़ी ज़्यादा विजनरी थे, काफ़ी उन्होंने मॉडर्नाइज। एंड ऑल्सो देर इज़ वन थिंग कि मैसूर शोज डिपार्चर। मैसूर शोज डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल 18 सेंचुरी एम्पायर्स, या मुगल के साथ जो कंटिन्यूटी है ना वो यहाँ पर ब्रेकेज करके देखने को मिलती है। जहाँ की बाकी के सब लोगों ने न किसी तरह से कंटिन्यूटी मेंटेन किया था मुगल के साथ, कहीं ना कहीं मैसूर वहाँ से डिपार्ट कर रहा है। कैसे डिपार्ट कर रहा है? तो वो है इन दोनों के विजन और इनोवेशन में। पहला, मिलिट्री। इन लोगों ने फ्रेंच के मदद से जो है इन लोगों ने मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया। मॉडर्नाइज करने का क्या मतलब हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजी देना। फॉर एग्जांपल, टीपू सुल्तान जो था खुद साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और रॉकेट वगैरह पे उसने काफ़ी काम किया था ताकि वो आर्मी में यूज़ हो सके। रेगुलर सैलरी देना, रेजिमेंट बनाना जो यूरोपियन स्टाइल है आर्मी को मेंटेन करने का, प्रॉपर मशीन्स देना, प्रॉपर इक्विपमेंट देना, टाइट डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर कट होना, इन सारे चीज़ों पर उसने काम किया था हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। किसके मदद से? फ्रेंच के मदद से। तो कहीं ना कहीं मिलिट्री उनका काफ़ी स्ट्रेंथ हो गया था। ये एक डिपार्चर है जो कि हम देख रहे थे। ट्रेडिशनली क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं डाल रहे हैं। वो जो था फ्यूडल सिस्टम था कि राजा जो है मनसबदारी के थ्रू क्या कर रहा है, आउटसोर्स कर दिया है। कॉन्फेडरेसी का सिस्टम था, वो नहीं था। यहाँ राजा सेंट्रल है, राजा प्रॉपर जैसे मॉडर्न टाइम में लोग आर्मी रखते हैं वैसे रखने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड इनोवेशन हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो क्या है, देखिए जितने भी स्टेट हैं सब एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं, हैविली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि इनको पता था कि मेन रेवेन्यू तो हमको एग्रीकल्चर से आना है। तो इन लोगों ने अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग,
इंटरमीडियरी होते थे, जैसे कि जागीरदार हो गए, जमींदार हो गए, वो लोग कलेक्ट करेंगे और बाकी कुछ राजा को पहुंचाएंगे। इसने प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी, टैक्स कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर, जैसे आज के टाइम में होता है ना, तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेसी टैक्स कलेक्ट कर रही थी इनके टाइम पे। तो इससे क्या हो गया, एक तो टैक्स बर्डन फार्मर पर कम होगा और दूसरा सरकार के पास प्रॉपर पैसा पहुंचेगा, है कि नहीं। तो टैक्स कलेक्शन के एरिया में इसने काम किया था। दूसरा, इसने जो होता है प्रॉपर एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि तुमको क्या होता है इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए होता है, डैम वगैरह चाहिए होता है, तो वो सारा इरिगेशन इरिगेशन पे काम किया। तीसरा, टैक्स बेनिफिट्स देता था जो लैंड रिक्लेम करते थे। तो इस तरह का हम देख रहे हैं कि कई सारा इसने एग्रीकल्चर के एरिया में भी क्या किया था कि इसने इम्प्रूवमेंट किया था। अब हम देखते हैं ट्रेड। ये बंदा इतना विजनरी था कि इसने सोचा कि जस्ट लाइक यूरोपियंस हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए आए हैं, एक स्टेट सपोर्टेड उनका मशीनरी है जो कि ट्रेड करता है, उसको मिलिट्री पावर से भी बैकिंग मिलती है, स्टेट से क्या होता है फाइनेंसेस वगैरह भी मिलता है, तो इस बंदे ने भी स्टेट ट्रेडिंग कंपनी टाइप का बनाने का कोशिश किया, कंपनी बनाने का कोशिश किया। इसके अलग अलग सेंटर्स इसने जो है दोनों कोस्ट पर खोले, इवन विदेश में भी, मास्कट में भी इसका एक सेंटर था, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसा सोचो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन वर्जन बना रहा है, उसको आर्मी का बैकिंग दे रहा है, ठीक है। और ये क्या करता था, ये अंग्रेजों से काफ़ी चिढ़ा रहता था। आप देख रहे होंगे फ्रेंच के साथ इनकी क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा थी, और ये भी एक कारण बना कि अंग्रेज इन लोग के ग्रुप को खास करके पसंद नहीं करते थे। अंग्रेज का दूसरा पसंद नहीं करने का कारण था स्टेट ट्रेडिंग कंपनी। एग्जैक्टली जो अंग्रेज कर रहे थे वही काम ये बंदा करना चाह रहा था, तो अंग्रेजों को डर लग रहा था। अच्छा, तो स्टेट ट्रेडिंग कंपनी, दूसरा इस ट्रेड में इसने क्या किया था, अंग्रेजों से ये चिढ़ा रहता था, तो इंग्लिश लोगों के साथ ट्रेडिंग को इसने स्टेट में नामंजूरी दे रखी थी, क्योंकि तुम जो है खास करके इंग्लिश लोगों के साथ ट्रेड नहीं करोगे। कहीं ना कहीं इसमें फ्रेंच के साथ दोस्ती का भी हाथ रहा होगा, बट अगेन ही हेटेड इंग्लिश, तो इंग्लिश लोगों के साथ ट्रेडिंग करना मन था, ठीक है। ये जो था खास करके स्पाइस ट्रेड, पेपर ट्रेड, इन सब में काफ़ी अच्छा करने लगे थे ये लोग, ठीक है ना। ट्रेड जो कर रहे थे ये लोग, ये दे वर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। तो ये सारा इश्यूज ये भी दिखाता है, एक डिपार्चर, एक विजन दिखाता है, एक मॉडर्न स्टेट की ओर का विजन दिखाता है। अब क्या है, मिलिट्री स्ट्रांग है, जब मिलिट्री स्ट्रांग है तो क्या था, ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन में भी बिलीव करता था। और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए तुमको आर्मी स्ट्रांग चाहिए होती है, जो कि उसने कर रखा था। एट द सेम टाइम ये बंदा क्या करता था कि जो आसपास की इसकी टेरिटरीज हैं, खास करके मराठा तो खुद लड़ने के लिए आ जाते थे, राइट, क्योंकि वो चौथ और सरदेश मुखी उनको चाहिए होता था। साथ में अंग्रेजों से लड़ता था, क्योंकि अंग्रेज उस समय मैसूर का जो हम देखेंगे तो मैसूर, और उस टाइम में फ्रेंच भी थे और अंग्रेज भी थे, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है एरिया अपना भी अभी जो है इस्टेब्लिश अपने आप को पैन इंडिया नहीं किया है, अभी वो बेस बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी इक्वल टर्म्स पे मैसूर के साथ उनकी लड़ाई हो रही है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो इसकी अक्सर लड़ाई हो जाती थी हैदराबाद के साथ, ब्रिटिश के साथ, मराठा के साथ। तो कहीं ना कहीं टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो इसका विजन था, ये भी था कि हमको अपने स्टेट को ग्रेट बनाना है, सब कुछ सोच के करता था। और कहीं ना कहीं उस कारण से इन लोगों के साथ इसका कांस्टेंट स्ट्रगल चलता रहा, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आनी चाहिए कि ये सारा, ये अगेन मैं इसको फिर से नेशनलिस्टिक विजन में नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय नेशनलिज्म जैसी कोई चीज़ है ही नहीं,
कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब तक पैन इंडिया एम्पायर नहीं बना था ब्रिटिश का, तब तक कोई ऐसा यूनिफॉर्म नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट अभी डेवलप हुआ ही नहीं है। मैसूर अपना बड़ा करने के लिए लड़ रहा है एरिया, हैदराबाद अपना एरिया बड़ा करने के लिए लड़ रहा है, इस वक्त तक अंग्रेज लोग भी क्या करें, अपना एरिया बड़ा करने के लिए लड़ रहे हैं, मराठा अपना जो है चौथ सरदेशमुखी के लिए लूटने के लिए लड़ रहे हैं, सब अपने अपने भलाई के लिए सोच रहा था, कोई देश इंडिया ग्रेट इंडिया करके नहीं सोच रहा था, कोई पैन इंडिया एम्पायर बनाने का नहीं सोचा था, सब सोचे थे अपने आप को बड़ा करने का, राइट। तो इसलिए मैं इसको नहीं देखता हूँ कि ही डिड ऑल दीज थिंग्स एज नेशनलिस्टिक फीलिंग, ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा क्या है, जब भी जो आदमी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेगा, कहीं ना कहीं जो इसको हराएगा वहाँ के लोग परेशान होंगे और ये सब होंगे। तो जो एक टीपू सुल्तान का जो इमेज मिलता है एंटी हिंदू, कहीं ना कहीं वो इस कारण से भी मिलता है, ही वॉज अ मुस्लिम। और कई सारे ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहाँ कि उसने क्या किया था, हिंदू श्राइन्स को भी डोनेट किया है, बट एट द सेम टाइम ऐसे भी एम्पल प्रूफ मिलते हैं जहाँ कि उसने हिंदू श्राइन्स को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। तो क्या ये सारा वो रिलीजियस फीलिंग के कारण कर रहा था? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उस वक्त वो रिलीजियस फीलिंग, जैसा हम बिपिन चंद्रा में पढ़ते हैं कि 1857 से पहले रिलीजियस फीलिंग वाली बात थी ही नहीं, कम्युनलिज्म का ग्रोथ इंडिया में जो है ब्रिटिश टाइम पे हुआ है, और वो भी अंग्रेजों के भड़काने पे हुआ है। मान लीजिए कि आप एक हिंदू और एक मुस्लिम फैमिली आसपास रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो वो कम्युनलिज्म नहीं है, जब तक वो सेंटिमेंट नहीं आया कि हम एक दूसरे को कट्टर निगाह से देखें। ये एक्सपेंड कर रहा है, तो जो रास्ते में आएगा सबको हरा के जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो एक इमेज एक्सट्रैक्ट होता है टीपू सुल्तान का एज एंटी हिंदू, कहीं ना कहीं वो इसलिए होता है क्योंकि ही फॉट ब्रिटिश, ब्रिटिश यूज टू हेट हिम, और जो हिस्ट्री है वो विक्टोरियस लिखता है, तो ब्रिटिश हिस्ट्री हैव पोर्ट्रेड हिम मोस्टली एज एंटी हिंदू, एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, वही जो एंटी हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट वाली बात है उसको भड़काने के लिए ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कहीं ना कहीं तक उसको डिमोनाइज किया। तो वी सी कि ऑल दीज थिंग्स शो डिपार्चर, दीज ऑल थिंग्स शो डिपार्चर, क्यों? क्योंकि और सब स्टेट ऐसा सोच भी नहीं रहे थे, कर भी नहीं रहे थे, कोई अपने स्टेट को मॉडर्नाइज नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। इसके अलावा एक और मेजर डिपार्चर ये है कि आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल हैदराबाद अलग बन गया है, बट खुतबा मतलब होता है आपको होता है फ्राइडे का प्रेयर, तो फ्राइडे का जो प्रेयर है वो अभी भी जो है मुगल एम्पायर के एम्परर के नाम पर पड़ रहा है। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए लोग क्या है, मुगल एम्पायर को देख रहे हैं, बट ये बंदा जो है टीपू सुल्तान जो है ये क्या है, डिपार्चर शो करता है, ये इसका जो सिक्का है ये इसका अपने नाम पे, अपने नाम पे ये जो है कॉइन छाप रहा है, ये जो खुतबा है वो अपने नाम पे हो रहा है, फ्राइडे का प्रेयर में वो अपना नाम यूज़ कर रहा है, और लेजिटिमाइजेशन कहाँ से ले रहा है, डायरेक्ट ऑटोमन टर्क से ले रहा है, ये डायरेक्ट ऑटोमन टर्क के साथ जो है ये अपना लेजिटिमाइजेशन ले रहा है, ये मुगल एम्पायर से लेजिटिमाइजेशन, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं ले रहा है। तो वी सी कि हिज रूल, मतलब इन दोनों का रूल इज ए क्लियर डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल अदर रीजनल पावर्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डिपार्चर है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि अगेन एज आई सेड कि दे वर वेरी क्लोज टू फ्रेंच एंड हेंस ब्रिटिशर्स जो थे इनके बहुत अगेंस्ट थे। तो एक सीरीज ऑफ फोर वॉर्स हुआ है, ठीक है, चारों वॉर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, बट तो एक सीरीज ऑफ क्या है, फोर वॉर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं, एंग्लो हम लोग जिसको एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं, चार मैसूर वॉर हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किसके किसके बीच हुआ था, तो एक साइड तो हो गए आपको हैदर अली, ठीक है, हैदर अली हो गया एक साइड, दूसरे साइड हो गए ब्रिटिश। शुरुआत में
हैदराबाद और मराठा। ठीक है, शुरुआत में हैदराबाद और मराठा जो है ब्रिटिश के साथ थे और ये लड़ाई शुरू हो गई। मतलब क्या था, मेनली फ्रेंच का जो सपोर्ट ले रहे थे, इस बात से अंग्रेज जो थे चिढ़े हुए थे, उनको लग रहा था कि, और ख़ास करके जैसे कि हमने क्या देखा कि उसने एक्सक्लूड किया था, ट्रेड में बोल रखा था कि अंग्रेज ट्रेडर्स के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमको ट्रेड ही नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं उस एक्सक्लूजन से ये लोग चिढ़े हुए थे। तो ब्रिटिश ने मराठा और हैदराबाद का साथ लेके हैदर अली पे अटैक कर दिया। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, मैं सॉरी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में अटैक कर दिया। बट हैदर अली बहुत साना था, ये क्या किया, हैदराबाद और मराठा से बात बात किया और उस दोनों को अपने खेमे में विद टाइम लेते आया। विद टाइम क्या क्या, अपने खेमे में लेते आया। और क्या हुआ फिर उसके बाद, तो अब कहाँ आ गए, हैदराबाद और मैसूर इस खेमे में आ गए। फिर फाइनली ब्रिटिश इसमें लॉस्ट हो गए, इस लड़ाई में ब्रिटिश क्या कर गए, लूज कर गए। और फाइनली एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ। और ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद क्या हुआ कि फिर अपना अपना सबको लैंड वैंड जो जो जिसका एरिया था वो ले लिया, ये सब हो गया। बट एक पैक्ट बना कि अंग्रेज लोग जो है जब भी होगा हैदर अली को जरूरत तो वो मदद करेगा और अंग्रेजों को जब जरूरत होगा तो हैदर अली मदद करेगा, एक इस तरह का पैक्ट बन गया। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट इसमें पूरा देखने वाली बात थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में कि मैसूर विक्ट्री किया, ब्रिटिश हार गए, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ, कोई खास डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, हैदराबाद और मैसूर मराठा जो एक टाइम पे ब्रिटिश के साथ थे, डिप्लोमेसी के कारण हैदर अली के वो कहीं ना कहीं से इसके साथ मैसूर के साथ आ गया। नेक्स्ट वॉर हैदर अली, और बीच में ही वॉर के मर गया था, तो टीपू सुल्तान ने कमान संभाल लिया था ब्रिटिश। ठीक है, इस बार क्या हुआ कि इन दोनों में दोस्ती हो गई थी यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मद्रास में, कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। और हम जानते हैं कि मराठा लोग का आदत क्या था, अटैक करके चौथ सरदेशमुखी करना, तो मराठा तो बाहर जाने वाले थे नहीं, तो मराठा लोगों ने हैदर अली को, मराठा ने हैदर अली पे अटैक किया, अंग्रेज़ों से इसने मदद मांगा, अंग्रेज मदद दिए नहीं, अंग्रेज़ तो सीरियसली लिए नहीं थे इस एग्रीमेंट को, मराठा इससे कंसेशन लेकर चला गया। अब आ गया हैदर अली को गुस्सा कि ब्रिटिश जो है ट्रीटी को अफेल नहीं किए। तो हैदर अली ने फिर से इस बार मराठा और हैदराबाद के निज़ाम को अपने साथ लिया और इन तीनों ने ब्रिटिश के साथ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में लड़ाई की है। यहाँ पर क्या हुआ है कि अब देखो फ्रेंच तो इनके साथ था, तो लड़ाई शुरू किस पॉइंट पे हुई, तो माहे फ्रेंच पोजीशन था। और ये वही पीरियड है जब फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ाई कर रहे हैं सुप्रीमेसी के लिए साउथ में, तो फ्रेंच तो डिफॉल्ट इनके साथ है। ठीक है ना, तो माहे पे जो कि फ्रेंच का एरिया था उस पे ब्रिटिश लोगों ने अटैक कर दिया। अब हैदर अली ने इसका ग्राउंड बना के ब्रिटिश पे ओपन वॉर शुरू कर दिया। ठीक है, और इस बार हैदर अली के साथ मराठा और कौन थे, हैदराबाद था। फिर से ये लड़ाई हुई, बीच में हैदर अली मर गया और हैदर अली के बाद जो है कौन है, टीपू सुल्तान आया। ठीक है, और ये लड़ाई पहले लॉस्ट हुआ था, दूसरा हम कहते हैं कि इनकन्क्लूसिव रहा था, यह स्टेलमेट स्टेल मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला इस लड़ाई में। फिर लड़ते लड़ते थक गए, फिर इन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किया इन्होंने, क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किया। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में फिर से सब अपना अपना एक दूसरे को दे दिया। ठीक है, तो कोई खास बात हुई नहीं। अब आते हैं हम लोग
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो दो शुरुआत के एंग्लो मैसूर वॉर उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लड़ाई हुआ, कुछ कुछ लोग इधर से उधर पाला वाला बदले, बट एट द एंड ऑफ द डे जिसका जो था वो उसको मिल गया। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये वो किस सेंस में इम्पोर्टेंट है कि अब टीपू सुल्तान है इधर, ब्रिटिश, इस पॉइंट ऑनवर्ड्स क्या होगा कि ये लोग जो हैं मराठा और हैदराबाद जो है वो साइड बदल देंगे, ठीक है। और क्या होगा, तो हैदराबाद और मराठा अब इस साइड आ जाएंगे, ठीक है, हैदराबाद और मराठा इस साइड आ जाएंगे। अब क्या होगा कि इस बार लड़ाई हो जाएगी कि त्रावणकोर जो था वो ब्रिटिश का दोस्त था, उसे कोई एग्रीमेंट कर रखा होगा त्रावणकोर के साथ, ठीक है ना। तो त्रावणकोर पर ये जो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन की इसकी टेंडेंसी थी हैदर अली और टीपू सुल्तान की, उसके अंतर्गत त्रावणकोर पे अटैक किया, ब्रिटिश अब कूद गए इस लड़ाई में। और इस बार जो लड़ाई हुई है इसमें क्या है कि मैसूर हार गया, ठीक है, इस बार की लड़ाई में मैसूर हार गया। और इसमें ट्रीटी हुई है, राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम बोलो, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम में क्या हुआ कि इसको मेजर जो डिसीजंस हैं वो ये हैं कि हाफ ऑफ द टेरिटरी मैसूर का इधर चला गया, ब्रिटिश रख लिया, साथ में इसके जो हैं 3 करोड़ का फाइन लगाया था कि ठीक है लड़ाई का जो हमारा खर्चा है वो दो करके, तो वो भी एक हुआ। और दो जो इसके बेटे हैं, इसके जो दो सन हैं, उनको अंग्रेजों ने अपने पास कैद बना के रखा था कि जब तक तुम हमारा कर्जा नहीं, जब तक जो जो वॉर का एग्रीमेंट में जो जो हुआ है वो तुम फुलफिल नहीं करोगे, तब तक ये दो बेटे हमारे कब्जे में रहेंगे। तो एक तरह से काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग हो गया टीपू सुल्तान के लिए, हाफ ऑफ द टेरिटरी चल गई, दो बेटे जो हैं वो भी जो है अंग्रेज एक तरह से बंधक बना के लेके चले गए। तो इस तरह से ये काफ़ी अपने आप में ह्यूमिलिएटिंग था डिसीजन ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम का, जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का पार्ट है। अब हमारा बचा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये कंक्लूडिंग वॉर है एक तरह से। और इस वॉर में क्या हुआ है कि फाइनली टीपू सुल्तान और ब्रिटिश निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठा, फाइनली क्या हुआ कि ये अपने आप में काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग एग्रीमेंट था जो थर्ड का आउटकम था। और टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं दुखी रह रहा था। इसी बीच वेलसली आ गया था और वेलसली ने सब्सिडियरी अलायंस का कॉन्सेप्ट लाया था, तो इसको ऑफर किया कि ठीक है तुम सब्सिडियरी अलायंस बन जाओ मेरे, तो वो तो एक्सेप्ट करने वाला था नहीं टीपू सुल्तान, ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस को इसने रिजेक्ट कर दिया। साथ में ब्रिटिश को लगने लग गया कि देखो यार ये तो मतलब अगर साउथ में हमको अगर पावर चाहिए या मेजर हमको चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है एंग्लो फ्रेंच वॉर्स सेटल हो गए हैं, और वो किसके फेवर में सेटल हुए हैं, ब्रिटिश के फेवर में सेटल हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स वर इम्बोल्डन्ड, और उनको ये लगा कि अब इसको दबा के रखा जा सकता है, इसको हरा के अपने अंदर हम लोग मिला सकते हैं।
इसीलिए सब्सिडियरी अलायंस का ऑफर किया था। सब्सिडियरी अलायंस का ऑफर उसने रिजेक्ट कर दिया। तो वेलेस्ली का एक और परसेप्शन है कि वेलेस्ली जिसने सब्सिडियरी अलायंस लाया था वो जो था थोड़ा, हालांकि एंग्लो फ्रेंच वॉर्स खत्म हो चुके हैं और ये सेटल हो चुका है कि फ्रेंच हार चुके हैं और उनका फ्यूचर कोई गोल नहीं है, बट फिर भी वो हमेशा सशंकित रहता था कि कहीं फ्रेंच वापस नहीं आ जाए या फ्रेंच कहीं ना कहीं वापस से पावर में नहीं आ जाए। तो वो जो था टीपू सुल्तान से इसलिए भी एग्रीव था क्योंकि उसको अभी भी फ्रेंच के साथ जो इसकी दोस्ती थी वो इसको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रही थी। तो इस ग्राउंड पे क्या हुआ कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। टीपू सुल्तान को निजाम, मराठा और ब्रिटिश इन तीनों के फोर्स का सामना करना पड़ा। ऑब्वियसली ही वॉज आउट नंबर्ड, ठीक है, और अपनी राजधानी बचाते बचाते टीपू सुल्तान का डेथ हो गया, ठीक है, बट इसने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इसको रिप्लेस करके जब फाइनली ये डेथ हो गया, ये लोग रिप्लेस हो गए, तो फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश ने, चूंकि वेलेस्ली था उस समय, तो क्या बन जाएगा, सब्सिडियरी अलायंस इन लोगों ने बनाया और गद्दी पर जो है जो उडिया डायनेस्टी थी जो शुरू में था हैदर अली से पहले जो था, तो एक तरह से पपेट को बिठा दिया उडिया डायनेस्टी के और सब्सिडियरी अलायंस बना दिया। और इसके साथ मैसूर की भी कहानी खत्म हो गई क्योंकि मैसूर अब सब्सिडियरी अलायंस बन गया है अंग्रेजों का, ठीक है। अब ये कहानी तो खत्म हो जाती है बट इस कहानी में कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जो मैं पर्सनली मेरे को पसंद आई, वो एक था मैसूर का विजन। हमने देखा कि वो एक मॉडर्न स्टेट बनाना चाह रहा था, स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज है, आर्मी इंप्रूव कर रहा है, एग्रीकल्चर के एरिया में इंप्रूव कर रहा है, खुद का अपना आइडेंटिटी बनाना चाह रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहा है मिलिट्री में, और कहीं ना कहीं वो एक तरह से स्टेट मर्केंटाइल कंपनी बना के वो चैलेंज कर रहा था ब्रिटिश को। और इसलिए ब्रिटिश अलार्म थे उससे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि एग्जैक्टली वही करना चाह रहा है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसने पूरे पीरियड में, चाहे हैदर अली हो या टीपू सुल्तान हो, दोनों ने इंश्योर किया, इवन दो दे सॉट हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच, दे नेवर वेंट टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को हमेशा बे पे रखा, ठीक है। तो ये जो उसकी क्वालिटीज़ है ना, तो ये जो लीडर लाइक क्वालिटीज़ हैं हैदर अली की हो या टीपू सुल्तान की हो, दैट अट्रैक्ट्स मी, क्योंकि ये लग रहा है कि एक बंदा है जिसके पास विजन है, फ्यूचर के लिए विजन था उसके लिए, अपने स्टेट के लिए विजन था, मैसूर के लिए उसके पास विजन था, हालांकि वो कॉन्स्टेंट वॉरफेयर में था बिकॉज द नेचर ऑफ स्टेट ऑफ दैट टाइम वॉज लाइक दैट, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो रखा था, सब जगह छोटे छोटे राज्य थे और हर राज्य चाहता है अपने आप को बड़ा करना, तो वो उस विजन के अंतर्गत उसको बड़ा करना चाह रहा था, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं था कि वो पैन इंडिया यूनिफाई करना चाह रहा था या कोई उसकी नेशनलिस्टिक विजन थी, बट इन अ वे ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एंड दीज आर द क्वालिटीज विच आई लाइक अबाउट टिपू सुल्तान, ठीक है। तो दिस इज द रीजन वाई आई फील कि अगर किसी को ग्लोरीफाई करना चाहिए इंडिया में, अनलेस यू हैव अ पॉलिटिकल रीजन टू डू इट, वन शुड डू टिपू सुल्तान या सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल रैदर देन यू नो टिपिकल मराठास। ओके, इसके साथ ये मैसूर खत्म हो गया।